जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवन नाम जप की महिमा। श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त भव सागर से पार होने का दूसरा कोई साधन नहीं है। ज्ञान साधना के लिए चित्त शुद्धि अनिवार्य है और इस चित्त शुद्धि के साधनों में दूसरे साधन आज किए जा सके ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए आज के युग में तो चित्त शुद्धि के लिए भगवन नाम जप ही एकमात्र साधन है। भगवन नाम से विशेष लाभ होता है। इसका एक कारण यह है कि भगवन नाम में तथा नामी भगवान में अभेद है, इसलिए नाम स्मरण से नामी के प्रत्यक्ष दर्शन के समान ही लाभ होता है। नाम और नामी के अभेद की बात तो सब कोई कहते हैं, किंतु यह अभेद है क्या? यह बात थोड़े लोगों के समझ में आई होगी। हम लोगों के जन्म में और भगवान के अवतार लेने में बहुत अंतर है। भगवान के अवतार में देह देही का भेद नहीं रहता, अर्थात अवतार शरीर में जो चेतन तत्व देही के रूप में काम करता है उसी चेतन तत्व से दृष्टि पड़ने वाले स्थूल देह का भी निर्माण हुआ है। शास्त्रीय भाषा में कहें तो भगवान के देह और देही दोनों समान रूप से चैतन्य घन हैं, किंतु हम लोगों के सामान्य शरीरों में शरीर पंच महाभूत से निर्मित है, केवल जीव ही चेतन तत्व हैं। इसके अतिरिक्त हमारा शरीर काम तथा कर्म के परवश है। प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर यह नष्ट हो जाता है, किंतु भगवान स्वेच्छा से ही देह धारण करते हैं और स्वेच्छा से उसका तिरोभाव भी कर लेते हैं। इसी से आज भी श्री राम या श्री कृष्ण अपने उसी दिव्य रूप को भक्त की भावना के अनुसार प्रकट कर देते हैं और फिर उस रूप का स्वेच्छा से तिरोभाव भी कर लेते हैं, क्योंकि चेतन तत्व तो सर्वत्र ठसाठस भरा है। जैसे समुद्र में तरंगे चाहे जब और चाहे जहां उठ सकती हैं, वैसे ही भगवान भी चाहे जब चाहे जहां और चाहे जिस रूप में प्रकट हो सकते हैं। एक सज्जन जो रोगी थे उन्होंने मुझे लिखा, स्वामी जी मैं धीरे धीरे शिवोहम का जप करता हूँ किंतु शांति नहीं मिलती है। मैंने उन्हें उत्तर में सूचित किया, भाई शिवोहम तो स्थिति है, उसे प्राप्त करने के लिए शरीर स्वस्थ हो तब प्रयत्न करना चाहिए। बीमारी में इसको बोलते रहने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। योग वशिष्ठ में कहा गया है, शरीर जवान तथा सशक्त हो उसी समय जीवन को धर्म के परायण बनाया जा सकता है। युवा अवस्था चली जाए और वृद्धावस्था आ जाए तब तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। वृद्धावस्था में तो अपना शरीर भी भार रूप प्रतीत होता है, फिर परमार्थ का साधन तो भला कैसे हो सकता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, चाहे लगन से हो या बेलगन से नाम जप किया करो, नाम जप किया करो। इसका यह अर्थ नहीं है कि सदा के लिए बिना लगन के जप का नियम बना लिया जाए। यह विधान तो अविवेकी को साधन में लगाने के लिए होता है। प्रारंभ तो सदा बेलगन ही होता है, किंतु भगवान नाम का प्रभाव ऐसा है कि उसका परिचय होने से उसमें प्रेम होता है और तब जप स्थिरता से ही होता है। ऐसा होने पर भगवान में अनुराग होता है। इस प्रकार वैखरी जप से ही उपांशु जप होने लगता है। बहुत समय तक इस प्रकार जप चलते रहने पर मानसिक जप होने लगता है। फिर तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे मन जप करता हो और हम उसे देखते हों, ऐसे जप से चित्त का मल धुलने लगता है। चित्त निर्मल होने पर उसमें ज्ञान का उदय होता है। नारद आदि भगवत भक्तों का कथन है कि कलयुग में और कोई भव सागर से पार होने का ऐसा सरलतम उपाय नहीं है। केवल भगवान का नाम लेना नाम लेना नाम लेना ही हमारे जीवन का परम ध्येय है। कलयुग में ऐसा कोई भी कायिक वाचिक और मानसिक पाप नहीं है जो भगवान के नाम लेने से नष्ट न हो। अर्थात जगत के समस्त पापों को धो और बहा देने वाला कोई अद्भुत साधन है तो वह है भगवान का नाम।
वह है भगवान का नाम। चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों युगों में चारों वेदों में भगवान के नाम का प्रभाव है, विशेषकर कलयुग में तो दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवन नाम जप की महिमा। श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज।